हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सी स्टेट्स में पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि महाराष्ट्र और रिसेंटली मणिपुर में डिफेक्शन से रिलेटेड कुछ केसेस सामने आए हैं। तो कुछ MLAs इस तरह से हैं जो अपनी पार्टीज या तो स्विच कर लेते हैं या वो अपनी पार्टी से डिफेक्ट करते हैं। सो वी विल टुडे अंडरस्टैंड कि वो एंटी डिफेक्शन क्या है, उसके लिए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी हुई हैं और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका पॉलिटी का काफ़ी सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 10th शेड्यूल एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज डिफेक्शन। तो कोई भी जो लॉ मेकर है, ही और शी कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन तीनों सिनेरियोज में कोई भी जो लेजिस्लेटर है वो जब अपनी पार्टी की विशेज के अगेंस्ट जाता है तो उसे हम कहते हैं डिफेक्शन। तो अब कोई अपनी पार्टी की विश के अगेंस्ट कब जाएगा? नंबर वन, जब वो अपनी पार्टी को चेंज करें, एंड नंबर टू, व्हेन दे डिफाई द विप ऑफ देयर पार्टी। विप को जब डिफाई करें, दैट इज वन, एंड फर्स्ट इज व्हेन दे चेंज देयर पार्टी। सो दीज आर द टू सिनेरियोस जिसको हम एंटी डिफेक्शन के परव्यू में मानते हैं। तो देखिए, इनिशियली जो डिफेक्शन जैसी चीज है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं सोची थी जिस टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा टाइम आएगा व्हेन एथिकली एंड मॉरली द लेजिस्लेटर्स विल बी चेंजिंग देयर पार्टीज आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी टिकट से, किसी पार्टी के टिकट से जीतने के बाद कोई लेजिस्लेटर अपनी पार्टी चेंज भी कर सकता है, या जो उसकी पार्टी उसे करने के लिए कह रही है वो उसके अगेंस्ट चला जाए। तो उस टाइम पर डिफेक्शन जैसी बातें जो थी वो इतनी कॉमन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो पॉलिटिकल मॉरल्स जो हैं वो थोड़े से डिटेरियोरेट हुए, तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाना ज़रूरी हो गया। तो 1960s-70s में डिफेक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी कॉमन हो गई। 1960s-70s में डिफेक्शंस कॉमन हो गई। तो जो लेजिस्लेटर्स थे वो जिस पार्टी से इलेक्ट होते थे, इलेक्ट होने के बाद वो उसे चेंज करना चाहते थे, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लेजिस्लेटर है जो कांग्रेस पार्टी की टिकट से एक MLA बन गया है। अब MLA बनने के बाद वो कहे कि मुझे कांग्रेस पार्टी चेंज करके बहुजन समाज पार्टी में जाना है, या मुझे समाजवादी पार्टी में जाना है, या BJP में जाना है, तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि उसे जो वो विक्ट्री या जो जीत उस सीट पर मिली हो वो उसके खुद की वजह से नहीं बल्कि पार्टी की वजह से मिली हो। सो दिस इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, और ये उसकी पार्टी से एक तरह का धोखा या गद्दारी होगी जिसे हम डिफेक्शन कहेंगे। तो अगर इस तरह के एक्शन को रोकने के लिए कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं होगी, तो इस तरह का बिहेवियर बहुत एनकरेज होगा, जैसा कि हमें आया राम गया राम एपिसोड से देखने को मिलता है। सो व्हाट वाज आया राम गया राम एपिसोड? ये एक बहुत ही फेमस एपिसोड हुआ था हरियाणा स्टेट में। इसमें क्या हुआ था कि एक MLA इलेक्ट हुए थे हरियाणा की असेंबली में, जिनका नाम था गयालाल। उनका नाम था गयालाल। ये हरियाणा में एक पर्टिकुलर पार्टी की टिकट से इलेक्ट हुए थे, और इन्होंने अगले कुछ ही दिनों में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। उस टाइम पर हरियाणा में कुछ इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी कि हर कुछ दिन बाद एक सरकार जो है वो बदल रही थी। तो वो हर बार अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे, और जो भी पार्टी पावर में आती थी उस पार्टी के साथ वो जाकर शामिल हो जाते थे। तो इस तरह से कुछ 10-12 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी चेंज की। तो उस टाइम पे इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और उस टाइम पे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर पार्टी चेंज करना इतना ही आसान है, तो फिर सभी लोग ऐसा अगर करने लग गए तो इंडियन पॉलिटी की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत खतरे वाली बात है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन लॉ की नीड जो है वो फील की गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस की गई। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई,
जिससे 10th शेड्यूल ऐड हुआ और आर्टिकल 102 क्लॉज 2 और आर्टिकल 191 क्लॉज 2 उसमें ऐड किए गए। जो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की डिफेक्शन को रोकने के लिए है और जो आर्टिकल 191 क्लॉज 2 है ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट उनकी डिफेक्शन को रोकने के लिए है। तो अब इसमें है क्या, इसमें वो सारी प्रोविजंस लिखी हुई हैं जो जो डिफेक्टर्स हैं उनको रोकने के लिए काम करती हैं। इसमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को डिस्क्वालीफाई करने की पावर दी गई है और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताई गई हैं। सो आइए देखते हैं कि वो प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले इस अमेंडमेंट से कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए गए कि इन ग्राउंड्स के तहत किसी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो ग्राउंड्स क्या है, नंबर वन, If someone voluntarily gives up the membership, मतलब आप एक पार्टी की टिकट से किसी सीट पर इलेक्ट हुए either as an MLA or as an MP, इलेक्ट होने के बाद आपने वो पार्टी चेंज करनी चाहिए। So voluntarily if you give up the membership of your party, then that is a ground for disqualification. तो आपको disqualify कर दिया जाएगा। तो आप उस पार्टी को चेंज कर सकते हैं लेकिन जिस सीट से आप इलेक्ट हुए हैं वो सीट आपको रिजाइन करनी पड़ेगी। दैट इज द You can say the after effect of disqualification. दूसरा ग्राउंड हो सकता है votes or abstains contrary to party whip. Party whip होती है the direction issued by the party. So party whip is nothing but direction issued by the party. ये एक official order या direction होती है जो कि एक political party issue करती है। तो इस विप का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि किसी भी हाउस में जब किसी चीज के लिए वोट होती है तो हर पार्टी चाहती है कि एक पर्टिकुलर वे में उसके सारे लेजिस्लेटर्स वोट करें। मान लीजिए किसी हाउस में एक पर्टिकुलर बिल को लेकर वोटिंग होने वाली है और उस हाउस की स्ट्रेंथ है 100, तो उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके पास है 60 वोट्स और जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास है 40 वोट्स। तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जिसके पास 60 वोट्स हैं वो ये चाहेगी कि जो भी वो बिल इंट्रोड्यूस कर रही है वो पास होना ही चाहिए, इसलिए वो अपने सारे लेजिस्लेटर्स यानी कि 60 के 60 एमएलएज के लिए एक रिट इशू, एक विप इशू करेगी जिसमें वो कहेगी कि सभी को इस बिल के फेवर में ही वोट करना है। लेकिन अगर उस विप को डिफाई करते हुए उन 60 में से कोई एक भी पर्सन इस बिल के अगेंस्ट वोट कर दे तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होने के लिए एलिजिबल है, तो वो पार्टी उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो ये होता है अपनी विप को डिफाई करना। सिमिलरली अगर ऑपोजिशन ने भी एक विप इशू की है कि ये 40 के 40 लोग उस बिल के अगेंस्ट ही वोट करेंगे लेकिन उनमें से कोई उस बिल के फेवर में वोट कर देता है तो ऑपोजिशन का वो एमएलए भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो अगर आप अपनी पार्टी की विप को नहीं मानते हैं दैट इज ऑल्सो अ फिट ग्राउंड फॉर इन्वाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन। इसके अलावा ये तो हुई इलेक्टेड जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोई भी पार्टी एफिलिएशन शो नहीं की है वो अगर चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने उन्हें इसी बात के लिए वोट किया हो कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो अगर वो अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ के बाद में किसी पार्टी के साथ चले जाएं देन दैट विल बी अ फिट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि उससे ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है, दे हैव चीटेड द मैंडेट ऑफ द पीपल, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर बात आती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जो कि हमें पता है कि लोकसभा में दो मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो हैं वो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस इन फील्ड से नॉमिनेट होते हैं और इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं। तो अगर नॉमिनेटेड कैंडिडेट किसी पार्टी को ज्वाइन करे इलेक्ट होने के 6 महीने बाद तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर 6 महीने का क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर अगर नॉमिनेट होने के जस्ट बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो नेचुरल माना जाता है, लेकिन अगर वो काफी देर वेट करे और किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहे तो वो एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर हो जाता है। सो अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर इसी तलाश में रहे कि वो कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुझे ज्यादा अच्छी पोस्ट या ज्यादा अच्छे पैसे ऑफर करेगी तब मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूं, इसलिए ये प्रोविजन रखी गई है कि अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर ने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसे वो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ज्वाइन कर लेनी पड़ेगी। तो इन सभी रीजन की वजह से किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है।
तो जो भी उस हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में भी जो चेयरमैन होगा, हूएवर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। लेकिन वो ऐसा सुओ मोटो नहीं कर सकते, वो ऐसा खुद नहीं कर सकते, उन्हें ये एक्शन तभी लेना है जब उन्हें किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटर के अगेंस्ट कोई रिटन कंप्लेंट मिलती है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ही अक्यूज्ड है कि उसने उसने जो है डिफेक्शन की है, तो उसी मेंबर, उसी हाउस का कोई भी एक मेंबर जो इलेक्ट किया जाता है वो उस प्रोसीडिंग के ऊपर प्रिजाइड करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिफेक्शन की है या नहीं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऐसा कोई भी डिसीजन जुडिशियरी में चैलेंज किया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई एमपी है जिसे लोकसभा स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है। सो दिस डिसीजन इज एलिजिबल फॉर जुडिशियल रिव्यू, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन द केस ऑफ किहोटो फॉलोन वर्सेस सशीलू एंड अदर्स। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट केस है एंटी डिफेक्शन के लिए, किहोटो फॉलोन वर्सेस सशीलू एंड अदर्स। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो पैरामाउंट या सुप्रीम नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि अगर कुछ लोग अपनी पार्टी से डिफेक्ट कर भी जाएं तब भी उन्हें एंटी डिफेक्शन के परव्यू में नहीं माना जाएगा। तो ऐसी प्रोविजंस हैं, सबसे पहला तो है मर्जर और सेपरेशन रूल। मर्जर और सेपरेशन रूल ये कहता है कि अगर किसी लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर सभी इकट्ठे उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मिल जाएं या कोई अलग फैक्शन बनाना चाहें तो उसे डिफेक्शन के परव्यू में नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी के एक हाउस में टोटल 60 मेंबर्स हैं, किसी पार्टी के एक हाउस में टोटल 60 मेंबर्स हैं, तो यानी कि उस पार्टी की जो लेजिस्लेचर पार्टी स्ट्रेंथ है दैट इज 60। अब इसका 2/3 बनता है 40, यानी कि अगर उन 60 एमएलएज में से एटलीस्ट 40 एमएलएज या एमपीज उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में मर्ज होना चाहें या एक अलग से पार्टी बनाना चाहें, तो ये 40 के 40 जो मेंबर्स हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये स्टिल मेंबर्स रहेंगे। क्योंकि उस केस में ये माना जाएगा कि टोटल पार्टी की अगर 2/3 स्ट्रेंथ कुछ करना चाह रही है तो दैट मीन्स दैट इज द रियल ओपिनियन ऑफ द पार्टी। तो जो वो बाकी 20 मेंबर्स पीछे बचेंगे, दे विल बी द ओरिजिनल मेंबर्स, वो उसी पार्टी से के साथ रहेंगे, और ये जो 2/3 मेंबर्स हैं ये एक अलग अपना फैक्शन भी बना सकते हैं या ये किसी और पार्टी के साथ मर्ज भी हो सकते हैं। सो दिस इज मर्जर और सेपरेशन रूल। तो ये जो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है ये इंडिविजुअल मेंबर्स पे जनरली अप्लाई होती है, अगर वो ग्रुप डिफेक्शन या मास डिफेक्शन हो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती, अगर ये 2/3 वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सेकेंडली, अगर आप पार्टी की विप को भी डिफाई करते हैं उसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप पहले ही पार्टी की परमिशन ले लें। तो मान लीजिए एक एमएलए है वो किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर दिन हाउस में प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर अपनी कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी से पहले ही परमिशन ले ले कि मैं उस दिन वोट ना करूं या एक पर्टिकुलर वे में वोट करूं और पार्टी उसे वो परमिशन दे दे, तब उसे विप को डिफाई करना नहीं माना जाएगा। कई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ऐसा भी हो सकता है। सिमिलरली, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, जनरली जो स्पीकर की पोस्ट होती है उसे बायपार्टिसन माना जाता है। तो स्पीकर जो है वो अपनी पार्टी को स्पीकर की पोस्ट एज्यूम करने के बाद लीव नहीं करता, लेकिन स्टिल वो एक प्रिज्यूम किया जाता है कि वो एक बायपार्टिसन मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा, और जैसे ही वो स्पीकर की पोस्ट को छोड़ेगा वो अपने आप उसी पॉलिटिकल पार्टी में वापस आ जाएगा। तो स्पीकर के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं होती कि उसने स्पीकर की पोस्ट अज्यूम करते ही अपनी पोस्ट से या अपनी पार्टी से रिजाइन करना है। सो इसलिए उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता।
उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि होतो होलोन वर्सेज जशीलू एंड अदर्स 1991 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो भी डिसीजन होगा दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सेकेंडली, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने ही डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकता। रिव्यू का मतलब है कि एक बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन दे दिया उसे दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिव्यूड। थर्डली, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह के किसी पिटीशन को इग्नोर करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन मानी जाएगी। तो मान लीजिए किसी ने अगर डिसक्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास अपील की तो स्पीकर सिंपली उस अपील को डिनाई नहीं कर सकता, सिंपली उस पिटीशन को बिना एक्शन लिए नहीं छोड़ सकता, बिकॉज दैट वुड बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी इस तरह की कंप्लेंट के ऊपर एक्ट करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। फाइनली, ऐसा डिसीजन लेना उसे एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। एक केस हुआ था इन पंजाब वेयर द स्पीकर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली डिड नॉट डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमएलए फॉर मोर देन 4 years। 4 साल तक उन्होंने एक पर्टिकुलर एमएलए के डिसक्वालिफिकेशन की उनकी एप्लीकेशन आई हुई थी, लेकिन 4 साल तक स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं दिया। सो दिस इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। तो रिसेंटली भी महाराष्ट्र के केस में और कर्नाटका के केस में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बात बोली कि स्पीकर जो भी होगा या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब भी उसके पास किसी की डिसक्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन आती है तो उसे जो भी डिसीजन लेना है वो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लेना है। रीजनेबल पीरियड हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग कुछ दिन या कुछ महीनों के अंदर उस पर्टिकुलर पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज वो अनरीजनेबल माना जाएगा। कुछ कमिटीज भी इसके ऊपर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे चुकी हैं। तो एक दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने 1990 में कॉन्स्टिट्यूट की थी, और एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के ठीक 50 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ और इन द ईयर 2000 दिस पर्टिकुलर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने ये कहा था कि इस मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कई बार बायस्ड तरीके से काम कर सकता है। तो जो भी पार्टी पावर में होती है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, जनरली जो स्पीकर होता है वो उसी पार्टी से बिलोंग करता है। इसलिए कई केसेस में ये देखने में आया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि जो स्पीकर है वो अपनी पार्टी के फेवर में हमेशा डिसीजन देता है और वो एक बायस्ड वे में काम करने लग गया है। इसलिए इन दोनों कमीशंस ने, इन दोनों कमिटीज ने ये रिकमेंड किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये पावर देने की जगह ये डिसीजन प्रेसिडेंट या गवर्नर पे छोड़ देना चाहिए, जो कि इसे इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे इंप्लीमेंट करेगा। तो मान लीजिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर में डिफेक्शन की प्रोविजन है तो गवर्नर शुड डिसाइड ऑन दैट प्रोविजन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये एक उन्होंने प्रोविजन दी। और दूसरी ये कि जो विप है यानी कि जो ऑर्डर पार्टी इशू करती है, अगर उसे कोई लेजिस्लेटर डिफाई भी करता है तो हर इस तरह की विप को डिफाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ उन विप्स को डिफाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए जिससे कि उस गवर्नमेंट का सर्वाइवल खतरे में हो। यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में या फिर बजट की पैसेज के केस में, जहां पे अगर गवर्नमेंट उस मोशन को हार जाती है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे केसेस में विप जो है वो बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल के ऊपर वोट हो रही है उस पर अगर कोई लेजिस्लेटर अपनी पार्टी की विप को डिफाई कर भी देता है तो वो अलाउड होनी चाहिए। इसका एक और लॉजिक ये भी दिया जाता है कि जो एमएलएज या एमपीज हैं उनकी जो इंडिविजुअल थिंकिंग है या उनका जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो बहुत हैम्पर होती है अगर उन्हें हर बार अपनी पार्टी के कहे अनुसार ही चलना पड़े। इसलिए विप सिर्फ तभी बाउंडिंग होनी चाहिए जब उससे उस गवर्नमेंट का सर्वाइवल जो है वो डिसाइड होना, ओनली देन विप शुड बी बाइंडिंग। उसके बाद लॉ कमीशन ने अपनी 1999 की 170th रिपोर्ट में ये कहा कि इलेक्शन से पहले जो प्री पोल फ्रंट्स क्रिएट किए जाते हैं यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कोलिशन क्रिएट कर लेती हैं उन्हें भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही माना जाना चाहिए। तो अगर इलेक्शन के बाद वो उसमें से कोई भी
पार्टी अलग होना चाहती है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि प्री पोल जब कोई अलायंस क्रिएट की जाती है तो लोग उसी अकॉर्डिंग उस अलायंस को वोट करते हैं और वो सारी वोट्स जो है वो क्लब हो जाती हैं, और बाद में अगर इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद उनमें से कोई पार्टी ये सोचती है कि हम अब इस कोलिशन से अलग हो जाएं क्योंकि हमें ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि उससे लोगों का जो फेथ है उस पोलिटिकल पार्टी में वो शेक हो जाएगा। सो नथिंग शुड बी अलाउड दैट शेक्स द फेथ और कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द पोलिटिकल सिस्टम। एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इससे एक स्टेबल गवर्नमेंट में हेल्प मिलती है। तो अगर हर एक लेजिस्लेटर हर डिसीजन में अपनी मर्जी करने लग जाए तो उससे बहुत ही ज्यादा फिशर्स जो है या बहुत ज्यादा डिविजन जो है पॉलिटिकल सिस्टम में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ होने की वजह से सभी के सभी जो है वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल रहते हैं और उससे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बनी रहती है। सेकेंडली, इससे पार्टी डिसिप्लिन प्रमोट होता है और कोई भी लेजिस्लेटर अपनी मर्जी से डिफेक्शन नहीं कर पाता। थर्डली, इससे मर्जर्स में बहुत फायदा होता है। तो अगर हम ये टू थर्ड वाला मर्जर रूल अप्लाई ना करें तो उससे होगा ये कि अगर आधे से ज्यादा लेजिस्लेटर यानी कि टू थर्ड लेजिस्लेटर भी अगर चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, और वो भी फेडरल स्पिरिट के या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। दैट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए ये भी फैसिलिटेट करता है कि एंटी डिफेक्शन की प्रोविजन भी रहे लेकिन मर्जर भी हो सके। सिमिलरली, ये लॉ मेकर्स की लॉयल्टी इंश्योर करता है। तो अगर एक बार कोई लॉ मेकर किसी पार्टी से इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल या फेथफुल रहता है, और इससे पॉलिटिकल करप्शन को कम करने में भी फायदा मिलता है। हालांकि इसका एक काउंटर पॉइंट भी है, पॉलिटिकल करप्शन को कम करने में ऐसे फायदा करता है कि कोई भी लेजिस्लेटर पैसे के लालच में या किसी और फेवर के लालच में बार बार अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका काउंटर ये है कि कई बार बल्क में यानी कि टू थर्ड से ज्यादा लॉ मेकर्स भी अपनी पार्टी चेंज करने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें रीजनेबल प्राइस या रीजनेबल बार्गेन मिल रहा हो। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो कि हम पिछले कुछ स्टेट्स में देख चुके हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, काफी स्टेट्स में हम ये देख चुके हैं जहाँ पे MLAs जो है वो अपनी पार्टी से रिजाइन करके ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट का लालच होता है। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रोल है वो क्वेश्चन में आता है कि जो स्पीकर है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि वो एक इम्पार्शियल वे में काम करेगा लेकिन अब वो काफी बायस्ड वे में काम कर रहा है। सेकेंडली, कोई फिक्स टाइम लिमिट मेंशन नहीं है जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना है। थर्डली, जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम्स और इंडिविजुअल जो उनकी इंडिविजुअलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कियोटो होलोन केस में कह दिया था कि एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कलेक्टिव राइट है पार्टी का, दैट इज ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स। एंड फाइनली, पॉलिटिकल करप्शन अभी भी रुकी नहीं है, जैसा कि हमने इन केसेस में देखा कि पॉलिटिकल करप्शन अभी भी जारी है। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब भी किसी पार्टी को ये डर होता है कि उसके लेजिस्लेटर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है तो वो अपने सारे लेजिस्लेटर्स को इकट्ठा करके किसी रिजॉर्ट में या किसी होटल में वहाँ पे बंद कर देते हैं ताकि किसी भी तरह से उन्हें अप्रोच ना किया जा सके, ना तो मीडिया के द्वारा और ना ही किसी और मीडियम से। उनके सभी के फोन जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं या ले लिए जाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वोट से पहले उन सीट्स को एंश्योर किया जा सके और उन्हें किसी भी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट दूसरी पार्टी ना कर सके। तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने कर्नाटका में भी देखा जहां MLAs को ले जाके होटल में बंद कर दिया गया था। सिमिलरली, वी सॉ द सेम इन महाराष्ट्र, और अब वही चीज हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। तो वहां के भी सभी लेजिस्लेटर्स को ले जाके होटल में रखा गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें हम आगे कैसे चल सकते हैं? सबसे पहले तो स्पीकर के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक टाइम लिमिट डिसाइडेड होगी तो स्पीकर के बायस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकेंडली, जो कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रेकमेंड किया था, ये डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर ना छोड़कर इसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे देना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके रिकमेंडेशन के बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन ले सके। फाइनली, जो
लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलए और एमपी जिनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या करप्शन केसेस चल रहे हैं, उन केसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो किन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं। एंड फाइनली तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर्स होना चाहिए ताकि कोई भी एक ऑर्गन किसी दूसरे को ओवरपावर ना कर सके। सो दैट अगर लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो स्पीकर के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाएगी, और अगर जुडिशियरी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो वो लेजिस्लेचर के बिहाफ पे लॉ बनाने लग जाएगी। बट दैट शुड नॉट बी अलाउड। तीनों के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो एडिक्वेट होना चाहिए। तो इस टॉपिक की एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं कि जो रिसेंटली मणिपुर में हो रहा है या जो पहले कुछ स्टेट्स में हो चुका है, वो उसे रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसे रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल क्या है, अलग अलग कमिटीज़ ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या जजमेंट्स दी हैं। और वे फॉरवर्ड में हम यही कह सकते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल जो है वो बहुत क्रूशियल है, और जो NCRWC के रिकमेंडेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है और उसे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। So this was all about anti-defection law and 10th schedule of the constitution. Thank you.